आपकी, आप रोएंगी नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ये बंदा पैसे वापस देगा, आपसे अब माफी मांगेगा, गलत चीज भी सहन करूंगी मैं। शर्म करो, ऊपर वाले से माफी मांगो, इंसानियत से माफी मांगो। गलती हो गई आपको, अगर ऐसा लगा है, लगा है, ऐसा लगा है कि तुमने लिए हैं। गलत चीज तो मैं किसी के बाप की नहीं सुनती। एक एक 50 साल की औरत जो हाथ जोड़ जोड़ के मुझसे कह रही है ऑक्सीजन दिला दो, हम फ्री में करा रहे हैं, तुम सामने वाले से पैसा ले रहे हो, और वो भी दो दो जगह से। अंदर से कैसे आती है ये घिनौनी चीजें, वापस करो। हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हम हेल्प कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हैं। हाउ कैन दे डू दिस, हाउ कैन दे डू दिस। इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये कर रहे हैं लोग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मुझे पता ही नहीं कि क्या एक्चुअली टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं। 12:30 सुबह से यही सब करने लगे हुए हैं, लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मतलब आई डोंट नो, दैट इज बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। मेरे को ना ऐसा हैवीनेस लग रहा है, क्योंकि दो दिन से यही सब करते करते ना कहीं आपके भी माइंड पे असर करने लग जाता है। तो मैं अभी डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ अविनाश के साथ, और देखती हूँ कि क्या है। अभी पल्स तो चेक करी है और वो तो सब ठीक है, बट बाकी डॉक्टर बताएगा। बट व्हाइल आई एम ब्रीदिंग, तो वो मेरे को ऐसा हैवीनेस लग रहा है यहाँ पे, ये क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं। तो एक बार डॉक्टर से बात करते हैं, जा रहे हैं डॉक्टर के पास, पता लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर में, तो आपको मिलते हैं सीधा डॉक्टर के पास। और ऑक्सीजन वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको थोड़ा सा चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि ब्रीदिंग में थोड़ी सी अड़चन हो रही है। लेट्स सी, क्या पता नॉर्मल कुछ कॉफ वगैरह या कुछ हो, या फिर कॉफ तो नहीं है लेकिन यहाँ तक ब्रीथ कर रही है, उसके बाद ना इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी आल्सो, वो भी हो सकता है। चले क्या, चलो चेहरे को अब मिलेगी उसकी ट्रीटी। कंघी करवा ली? हाँ, कंघी कराई है, इसलिए मैं ले रही हूँ ना। मे बी थोड़ी इसका दिमाग से पैदल क्यों लग रही है मेरे को चेरी। नहीं नहीं, ये देख लो आप लोग, ये लॉकडाउन है, कौन सा लॉकडाउन है भगवान ही जाने। कईयों के पास तो मास्क भी नहीं है। जब सरकार कह रही है दो मास्क लगाओ, तो उन्होंने एक भी लगाना छोड़ दिया। ये देखो भाई साहब, अच्छा इन्होंने लगाया लेकिन नाक के नीचे है। वो देखो ना, बिना मास्क के घूम रहे हैं। कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा है कि देश दो टीमों में बढ़ गया, और वो कोरोना की साइड पे हैं, तो उन्हें कोरोना कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तुम ना फालतू की वो करते रहते हो कुछ भी। लग रहा है कि सांस नहीं आ रही है। खांसी नहीं है, तो हल्का सा खांसी सा होता है। कल कम कफ नहीं, नहीं कल कुछ ठंडा ठंडा पिया ना, ना ठंडा तो मैं पीती नहीं, फ्रीज फ्रीज का बिल्कुल नहीं पीती मैंने। तीखा हो गया था, क्या लग रहा है आपको डॉक्टर? मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, क्या हो रहा है? इधर पेन है? नहीं इधर पेन नहीं है, बीच में इधर बता रहे। हाँ इधर है, इधर बता, इधर है वो है। या तो जो कफ जम जाता है उसके हाँ। लिए होता है, या एसिडिटी में भी ऐसा, तो स्ट्रेस में भी ऐसा तो है नहीं, मैंने चेक किया। अब देखो अभी आपके फादर का चल रहा है, तो एंग्शियस ज्यादा है, चाय कॉफी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये मुझे बताओ खाने के बीच में बहुत गैप रह जाता है। तो डॉक्टर अगर मेरे को भी वैक्सीन लेना हो? एक तो लिया, नहीं एक भी नहीं लिया मैंने डॉक्टर। क्या करते हो, डर लगता है इंजेक्शन से डॉक्टर, मैं क्या करूँ? करोड़ों लोग इंडिया में अभी तक 20 करोड़ लोगों ने लिया है। 20 करोड़ हिम्मत वाले हैं, मेरे को इंजेक्शन डर लगता है। मैंने आपको कितनी बार इंजेक्शन, तो आपने जितनी बार दिया उतनी बार मेरी हालत नहीं रही थी। आप तो वैसे भी घोड़े की तरह लगाते हो ना इंजेक्शन, आप घोड़े को लगाते हैं डॉक्टर इंजेक्शन। आप कभी मुझे प्यार से नहीं देते डॉक्टर, हमेशा ऐसे डॉक्टर आप क्या करते हैं, रेडी 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 ऐसे करते हो। तो जी डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं एसिडिटी है, बहुत चाय कॉफी पी रहे हो, और उसके बदले में डॉक्टर से बोल के आइए कि आप सिंधी हो ना, किसी दिन सिंधी कड़ी खिलाओ ना। डॉक्टर ने सिंधी कड़ी मांग ली। कह रहे हैं हम तो बोर हो चुके हैं सिंधी कड़ी खा खा के। मैंने कहा हम थोड़ी हुए, हमें खिला दो। अरे यार डॉक्टर बहुत क्यूट है ये वाले। मैंने डॉक्टर को आज से बोला है कि वो एक डंडा रखे अपने साथ, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स के लिए। किसान अपने बच्चों को किसान बनाकर दे रहे हैं नेपोटिज्म को बढ़ावा। पता नहीं अविनाश कौन सी यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हो क्या, कर रहे हो अभी? हां यूट्यूब शॉर्ट्स। अरे इतना पसीना कैसे आ रहा है तुम्हें? तुम एसी नहीं चला रही हो ना, एक घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। ये कैसे लग रहे हो तुम, चप्पू? चप्पू या चंपू? चप्पू। चप्पू तो वो होता है जिससे नाव चलाई जाती है। वही चलाने वाले तो लग रहे हो। पंखा चलाऊं? पंखा नहीं, नहीं पंखा नहीं, आवाज आएगी ना इसमें। चाय भी बनने रख दी है, चाय भी आ रही है। करने दो ना। तो चाय बनने से पहले पहले कर लोगे? कोशिश है। ठीक है चाय पे मिलती हूँ। ओ मिलो बीबी, छोटा बीबी कहाँ मांग ले मम्मा छे, मम्मा टाइम नहीं दे रही आपको। आ जा मम्मा,
मम्मा गोदी गोदी ले लेगी आपको। मम्मा गंजी है, मम्मा टाइम नहीं देती है, मम्मा बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है। भाई देखो मम्मा कहा कर छोटे बिजी हो जाती है ना, बिजी हो जाती है ना। चलो मम्मा के साथ बैठ के अब चाय पियेंगे, हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, ओके। और यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, ये रहे वो कप, वैसे ठीक ही है चाय के लिए। दीदी ले ही आना अंदर, चाय पीऊंगी तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आएगी। आ ना कैंडो, मना थोड़ी कर रही हूँ तेरे को, आ जा। तुझे क्यूट लग रहे हो ना अविनाश, देखो। अरे क्या नाक के अंदर क्यों है? हम लोग आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आप उन लोगों से हेल्प करवा के उनका पैसा लूट रहे हो। आपको हमने चीज फ्री में करा के दी, आपने सामने वाले से पैसे क्यों लिए? कौन होते हो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने झूठ क्यों बोला? आपको मैं विश्वास तुम्हारी, मैं पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी अगर अभी के अभी ये सॉल्व नहीं किया। मैं पुलिस कंप्लेंट 2 मिनट में कराऊंगी। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं सुबह से उनको ऑक्सीजन दिलवाने के चक्कर में मैं कितने मेरे प्रिया को फोन किए, कितने क्या क्या किया, वो आउट ऑफ द वे लड़की जाके काम करा रही है, तुम सामने वालों से पैसा खा रहे हो। अरे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये गलती नहीं हुई है, तुम चीटर हो, तुम लोग पैसे खाते हो, तुम ही जैसे लोग हो। वो बच्ची बीमार है, उसको फटाफट रेगुलेटर देना, तुम उसमें पैसे खा रहे हो और तुम कहते हो मेरी बहन है वो। इनका फटाफट रेगुलेटर पहुंचाओ, उनके पैसे वापस करो, हम किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। तुम कौन होते हो पैसे लेने वाले? अगर ये आधे घंटे के अंदर ये सारा काम नहीं हुआ, तुम होगे पुलिस स्टेशन में, ये याद रखना। कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ हो तुम? वो बिचारी आंटी रो रो के मुझसे सिलेंडर मांग रही है और उससे तुम आज एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई जवान लड़कियों के ये काम करते हो? तुम ये सोच लिया तुम मुझे जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे को नहीं जानते हो? तुमने चीटिंग कहाँ पे की है ये तुम्हें पता नहीं है? तुम दुकान को नहीं जानते हो? तुम्हें ये नहीं पता कि किसने मदद करी है? लेकिन तुमने सामने वाले 2 लोगों से अलग अलग पैसे खाए क्यों? ये मदद है? तुमको शर्म नहीं आती? तुमको शर्म नहीं आती? इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, भगवान न करे अगर तुमको हो जाए, तुम्हारी फैमिली में किसी को हो जाए और यही हो तुम्हारे साथ तो क्या होगा? हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है। आंटी आप रोएंगी नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आंटी आप रोएंगी नहीं, मैं आपके साथ हूँ। ये बंदा पैसे वापस देगा, आपसे अब माफी मांगेगा, आप माफी मांगो। नहीं मेरा खून खोल रहा है, गलत चीज डिजाइन करूंगी मैं। तो यही कहूंगी दीदी आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, आपका एक एक मिनट कीमती है, शायद ये नहीं लोग जानता। मेरे को ढेरों फोन आ रहे हैं, मैं दीदी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, मेरी खुद की फैमिली ठीक नहीं है, मेरे फादर एडमिटेड है, उसके बाद में ये सब कर रही हूँ, सामने वाला पैसा खा रहा है। शर्म करो, ऊपर वाले से माफी मांगो, इंसानियत से माफी मांगो। गलती हो गई आपको, अगर ऐसा लगा है कि तुमने लिए हैं, ये याद रखना, तुम्हारे वर्ड्स याद रखना। मेरे को 2 मिनट लगेंगे तुम्हें थाने में कराने में। गलत चीज तो मैं किसी के बाप की नहीं सुनती। मैं कह रहा हूँ एक बारी मेरी सुन लीजिए, मेरे से गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्लीज। एक 50 साल की औरत जो हाथ जोड़ जोड़ के मुझसे कह रही है ऑक्सीजन दिला दो, हम फ्री में करा रहे हैं, तुम सामने वाले से पैसा ले रहे हो और वो भी दो दो जगह से। तुम्हें किसने कहा, कैसे तुम्हारे अंदर से कैसे आती है ये घिनौनी चीजें? वापस करो, आप माफी मांगो आंटी से। आंटी मुझसे गलती हो गई है, मैं तो मैं सबसे माफी मांग रहा हूँ आप सबसे। चलिए आंटी छोड़ दीजिए, सुनो तुम्हारा जो भी नाम है, सुनो तुम्हारा जो भी नाम है, अब आंटी आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, रेगुलेटर आपके घर पे पहुंचेगा, आप मुझे फोन करोगी, प्रिया मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ये होते कौन है बेबी, इन्होंने पता क्या किया है? मैं सुबह से किसी को ऑक्सीजन दिलवाने के चक्कर में, उनको रेगुलेटर चाहिए, उन्होंने बंदा भेजा, अब मेरे से वो हेल्प मांग रहे हैं जिनसे मैंने दिलवा भी दिया, उन्होंने सामने बंदा भेजा, सामने वाले बंदे ने यहाँ से जो जिसको मैंने कहा था वहाँ से सामान उठा लिया और उनसे कहा कि यहाँ पे इतने पैसे लगे हैं, और सामने वाले के लिए भी सामान उठा लिया, उनको कहा कि इतने पैसे लगे, एक ही सामान के डबल पैसे लेके, और वो निकल गया जबकि सामान था फ्री में। हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हम हेल्प कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रहे हैं,
और लोग सामने वाला उनके पैसे खा रहा है यार, ऐसे लोग जो उन्होंने भेजा है, सोचो जो उन्हीं आंटी ने भेजा कि ये लड़का आके बहन कह रहा है हमारे हमारे घर का है लड़का है आ रहा है लेने, कीड़े पड़ जाए ऐसे लोगों को, तो इतने कुत्ते होते हैं लोग कहीं। मेरा मेरा अगर दिमाग खराब होता है ना, हाउ कैन दे डू दिस, इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये कर रहे हैं लोग। नहीं माफी मांग रहे हैं ना, पहुंचा रहे हैं ना अब। साले को नहीं मैंने पुलिस में करा दिया। 5 मिनट के लिए हम लोग बाहर गए थे काम के लिए और भाई साहब ने मतलब साहब ने चाबी खो दी, चाबी बनवा रहे हैं अब। लोग तुम लोग खुलने के बाद चेंज होगा ना मेन, तो इसमें उनसे क्या पूछ रही हो, ताला आप निकलवा दो कल। नहीं मैं एक बात पूछ रही हूँ कि हमको ताला ही निकलवा देना, वो ताला तो खुलने के बाद निकलेगा ना, पहले खुले तो। अच्छा ये खुलेगी तो ही ताला निकलेगा। अगर आपको सर खुलवाना है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो ब्रेक में आपकी लकड़ी भी खराब पड़ेगी दरवाजे की और अंदर की बॉडी जो होती है वो डैमेज होगी। नहीं नहीं कुछ डैमेज ना हो के हमारा लॉक कैसे चेंज होगा ये बताइए। चाबी बना लेता हूँ पहले मैं। ये इतनी देर से ये आदमी बोल रहा था कि चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, चाबी यहाँ घुसाई हुई थी, खोलिए। तुमने ही तो बोला ना कि एक बार इसके अंदर चेक करो। मैंने लेकिन तुमको ये मैंने अभी चेक करने के लिए बोला, एक घंटा उनका बर्बाद करके अब तुम चेक कर रहे हो, जाओ। पहले ही बोल देती यहाँ चेक। फालतू आदमी, हाँ चाबी यही मिल गई। भी अविनाश की गलती की वजह से इतनी देर हमें बाहर खड़ा होना पड़ा और इतनी टायर्ड हो गई हूँ मैं ऑलरेडी, बहुत स्ट्रेस थी पूरे दिन से, उनको सोना था। तो आई थिंक नाउ बिफोर अविनाश कम्स आउट नहाने के लिए गया हुआ है, मैं चली अपने छोनू के पास। मेरा छोनू मेरे पास चलेगा, मम्मा मम्मा आई गुच्छे में भी आ गई थी ना, तो छोनू डर के भाग गई। लेकिन मम्मा वैसे तो नहीं आती गुच्छे में, गलत बात पे आई ना छोनू, आप बताओ सबको, गलत गलत तो गलत होता है ना छोनू, है ना। अच्छी बात है, मम्मा पारी करते हो, मम्मा बहुत पारी करती है सबको, आपको भी करती है, आपको भी करती है। आपको मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन नॉट लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट, कर देना कर देना, दबा देना।